हेलो गाइस, तो जैसे कि आपको पता है रिसेंटली हम लोग ने ये मीवी का जो कॉलर है इसको अनबॉक्स किया था। देख सकते हो आप ये नेक बैंड मीवी का कॉलर क्लासिक प्रो, ये आपको अंडर 1000 रुपीज़ में मिल रहा था। आज हम लोग इसके बटन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम लोग इसके जो इनलाइन कंट्रोलर है उसके बटन फंक्शंस का अलग से वीडियो लेके आएंगे, तो वही वीडियो है ये। अगर आपने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है वो नहीं देखा है ये नेक बैंड का, तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो आई बटन में, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो अगर इसको आपको बाय करना है या किसी को गिफ्ट देने के लिए बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको बाय कर सकते हो। तो चलिए और चलते हैं डेस्क के ऊपर और मैं आपको इसके बटन फंक्शंस जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसके बटन फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको इनलाइन कंट्रोलर मिल जाता है ये नेक बैंड में। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो प्लस माइनस और यहाँ पे प्ले पॉज का बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है वो चार्जिंग पोर्ट आपको दिया हुआ है। पीछे के साइड में मीवी की ब्रांडिंग और यहाँ पे माइक दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं इसको ऑन या ऑफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। अभी ये कनेक्टेड है तो इसकी वजह से ये जो ब्लू लाइट है वो धीरे से ब्लिंक हो रही है, पर जब ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तब ये ब्लिंकिंग लाइट जो है वो स्टार्ट हो जाती है रेड एंड ब्लू में। तो हम लोग इसको पहले डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर मैं आपको इसको ऑन कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये जो ब्लूटूथ डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो गया और ये लाइट जो है ब्लिंक हो रहा है रेड एंड ब्लू में, इसका मतलब ये पेयरिंग मोड में। अगर मेरे को इसको स्विच ऑफ करना है तो मेरे को ये प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा फ्यू सेकंड्स के लिए, और जैसे ये रेड लाइट आ जाएगा इसके इधर उसके बाद में ये जो है ये स्विच ऑफ होने वाला है। तो ये हो गया ऑफ। अगर इसको वापस मेरे को ऑन करना है तो मेरे को वापस इसको प्ले पॉज बटन को होल्ड करके रखना है। जैसे मैं इसको होल्ड करके रखूंगा ब्लू लाइट आ जाएगा, उसके बाद में ये ऑन हो जाएगा और ये डायरेक्टली पेयरिंग मोड में चला जाएगा। उसके बाद में आपके स्मार्टफोन में जाना है, ब्लूटूथ को ऑन करना है और इसको पेयर करना है। पेयर करने के बाद में वापस ये ब्लू लाइट जो है वो स्लोली ब्लिंक होते हुए दिखाई देगा। तो जैसे कि अभी मैं अपने स्मार्टफोन में, यहाँ पे मेरा स्मार्टफोन है, यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर लिया। अभी आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, जब आप नया इसको बाय करोगे तो इसका बैटरी 90% रहेगा, तो आप इसको चार्ज कर सकते हो 100% करने के बाद में इसको यूज कर सकते हो। तो जैसे ये कनेक्ट हो जाता है इसका जो लाइट ब्लिंकिंग ब्लू लाइट का होता है वो स्लो हो जाता है। देख सकते हो आप स्लो लाइट ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये कनेक्टेड है। फर्स्ट टाइम पेयर करने के टाइम में ये जो है आपके स्मार्टफोन में इसका नाम दिखेगा, तो वहां पे आप क्लिक करोगे और पेयर पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। अभी बात करते हैं इसके म्यूजिक कंट्रोल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने अपने स्मार्टफोन से उसको कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे मैं अमेजोन जो है उसको ओपन कर देता हूँ और म्यूजिक कंट्रोल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरे को म्यूजिक को जो प्ले करना है तो मेरे को क्या करना है, ये मल्टीफंक्शन बटन बीच में का है, ये प्ले पॉज बटन है, तो इसको मेरे को वन टाइम प्रेस करना है और मेरा म्यूजिक जो है यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो आप, मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद में ये जो है ये देखो प्ले होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे एक बार क्लिक करता हूँ ये पॉज हो गया। तो ये प्ले पॉज फंक्शन है इसका। अगर वॉल्यूम अप एंड डाउन करना है तो ये मेरे को ऊपर प्लस वाला बटन है उसको प्रेस करना है और वॉल्यूम जो है वो राइज होगा। वॉल्यूम कम करने के लिए नीचे वाला बटन दबाओगे तो वॉल्यूम जो है वो कम होगा। ठीक है, अगर मेरे को नेक्स्ट ट्रैक के ऊपर जाना है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को प्लस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, नेक्स्ट ट्रैक पे चला जाएगा। वही प्रेस एंड होल्ड में वॉल्यूम बैक को करूंगा, ये देखो ऐसे, तो ये प्रीवियस ट्रैक पे चला जाएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो ये प्रीवियस ट्रैक पे चला गया। अगर आपको वॉइस असिस्टेंट जो है उसको एक्टिवेट करना है तो आपको ये बीच वाला मल्टीफंक्शन बटन जो है उसको 1 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप मेरा वॉइस असिस्टेंट जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। अभी हम लोग इसके कॉल फंक्शनैलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको कॉल पिक करना है तो आपको यही सेंटर वाला मल्टीफंक्शन बटन जो है वो वन टाइम क्लिक करना है तो कॉल पिक हो जाएगा, उसी को वापस क्लिक करोगे तो कॉल जो है वो एंड हो जाएगा। अगर आपको इग्नोर करना है कॉल को, मतलब रिजेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये मल्टीफंक्शन बटन को 1 सेकंड के लिए प्रेस कर देना जब भी आपको कॉल आता है। ऑल्सो मल्टीफंक्शन बटन को अगर आप 2 टाइम प्रेस करते हो तो आपका कॉल जो है वो म्यूट हो सकता है, मतलब आपका माइक जो है वो म्यूट कर सकते हो, तो वो एक फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको रीडायल करना है लास्ट नंबर को तो आपको ये मल्टीफंक्शन बटन जो है उसको डबल प्रेस करना है, तो आपका जो प्रीवियस नंबर कॉल नंबर रहेगा उसको ये वापस वो कॉल लगा लेगा। तो यहाँ पे आपको डुअल डिवाइस सपोर्ट भी मिल जाता है। तो डुअल डिवाइस के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो है यहाँ एक डिवाइस से कनेक्ट करना है। एक डिवाइस से कनेक्ट करने के बाद में आपको इसका जो है वो ब्लूटूथ जो फर्स्ट डिवाइस है उसको ऑफ करना है, और सेकंड डिवाइस है उसका ब्लूटूथ ऑन करना है, और वहां पे भी आपको फर्स्ट टाइम पेयरिंग जो है वो कर देना है। एक बार करने के बाद में क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट डिवाइस जो है उसका भी ब्लूटूथ ऑन कर देना फटाक से, तो वो वहां पे भी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा और फिर दोनों डिवाइस जो है साइमल्टेनियसली ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्टेड रहेंगे। उसके बाद
बाद में आपको कहीं से भी कॉल आता है तो वहां से आप उसको पिक कर सकते हो, पर अगर सेम ही टाइम पे दो डिवाइसेस पे कॉल आ जाता है तो करंट कॉल जो है उसको होल्ड करने के लिए आपको मल्टी फंक्शन बटन जो है वो उसको एक बार क्लिक करना है, और एक बार क्लिक करने के बाद में आपके दूसरे फोन पे जो है कॉल है उसको आप अटेंड कर सकते हो और पहले वाले फोन पे जो कॉल है वो होल्ड पे चला जाएगा। तो ये एक और एक अच्छा फीचर है जो इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो कि आपको मीवी के किसी भी TWS में नहीं मिलता है, सिर्फ नेकबैंड में आपको मिलने वाला है। तो यही था गाइस इसके बटन फंक्शनैलिटीज के बारे में। ठीक है गाइस, आपने इसके बटन फंक्शन जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली है। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। 100 लाइक्स गेम जो है हर वीडियो को रखते तो उसको भी कंप्लीट करवा देना। ऑल्सो और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो जो है आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि जो भी टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और चैनल को भी इनडायरेक्टली हेल्प हो जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अगर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वहाँ पे भी बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा जब भी ऐसे टाइप के वीडियोज आएंगे। चलिए मैं मिलूंगा आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।